जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुरू बाद में होगी, मैं थोड़ा बीच में आपको एक्सेप्ट कर रहा था। एक हमने अभी पूरे राज्यों के जो हमारे इंचार्जेज हैं और जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं उन सब की मीटिंग बुलाई थी, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि 29 अप्रैल को AICC की तरफ से एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन किया जाएगा। जो देश के हालात बन गए हैं उसमें हम लोग महसूस करते हैं कि लोगों में बहुत ही एक घुटन सी महसूस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है सभी सोसाइटी के अंदर, सभी वर्गों के अंदर, और माहौल ऐसा बन गया जो भय का माहौल हो, अविश्वास का माहौल हो, नफरत का माहौल हो, संवेदनहीनता का माहौल हो और हिंसा का माहौल हो। राहुल गांधी जी ने जो कहा था और बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र में प्यार से, मोहब्बत से, संवेदनशीलता से और अहिंसा के माध्यम से राजनीति होनी चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत कोई किसी से कोई अदावत नहीं होती है, हमारा जो संघर्ष है, लड़ाई है, वो सिद्धांतों की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। पर जिस प्रकार का जो माहौल बनाया गया है और विशेष रूप से NDA गवर्नमेंट आने के बाद में जो वादे झूठे किए गए थे मोदी जी द्वारा, अच्छे दिन आने की बात की गई थी, 4 साल में किसी वर्ग ने महसूस नहीं किया कि हमारे लिए अच्छे दिन आ गए हैं, बल्कि हर वर्ग दुखी हैं। एक सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयग्रस्त है, व्यापार भी चौपट हो गए, आर्थिक स्थिति बर्बाद होती जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर होती जा रही है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट में, देखा आपने क्या हुआ, RBI, ED, CBI, इनकम टैक्स, इसका मिसयूज़ हो रहा है, और तो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा जा रहा, जहाँ कि आप सबको मालूम डेमोक्रेसी के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। ये तमाम जो स्थिति बनी है उस पर हर वर्ग अपने अधिकारों को लेकर चिंतित हो गया है। महंगाई की मार सब झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो जब सरकार UPA गवर्नमेंट थी तो सबको मालूम है कि क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय कीमती क्या थी, 140 तक पहुंच गई थी प्रति बैरल, $140। इनके शासन में जब $40 पे आ गई तब भी कीमतें कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ रही है, तो वो एक अपना आप बड़ा इश्यू है। युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, उसका कोई अता पता नहीं है, वो एक बड़ा इश्यू बना, मैंने देखा है गुजरात के अंदर भी, और कोई इनके पास जवाब नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या क्या कहा गया, वो कोई धरातल पे एक स्कीम की नहीं आई। और तो और जिन शहरों के लिए कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज पूरे देश में एक भी स्मार्ट सिटी बनी है तो बताएं। इन हालातों में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख लिया, अभी जब SC ST के लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था उनका, अगर सरकार सचेत होती, चौकनी होती, तो आराम से वो ये व्यवस्था कर सकती थी कि भारत बंद के दौरान में कहीं कोई असामाजिक तत्व नहीं घुस जाए, एंटी सोशल एलिमेंट कोई हरकत नहीं कर दे, ये सुनिश्चित किया जा सकता था। सरकारों की लापरवाही के कारण से वहाँ पर ये स्थिति बनी, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि 8 हत्याएं, पूरी तो मेरे ख्याल 10 हत्याएं हुई है देश के अंदर। ये इस प्रकार के हालात बने, उसके बाद में वापस राजस्थान में तो साधारण जनरल वर्ग ने मिलकर के दूसरे दिन वहाँ पर 2 जो SC के विधायक थे, एक तो वर्तमान विधायक, एक पूर्व विधायक जो मंत्री भी थे, घर को जला दिया गया। तो मैं आपको संचित नहीं करना चाहूँगा कि जो हालात जैसे बन गए हैं, पूरा मुल्क चिंतित है,
तो देश के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस ने तय किया कि हम 29 तारीख को रैली करें, देशवासियों का आह्वान करें कि कैसे जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जो मैंने आपको रिपीट करना चाहूँगा, कि देश में शांति से, सद्भाव से, प्यार से, मोहब्बत से राजनीति हो और अहिंसा को आधार बना के राजनीति हो, ये मेरा कहना था। धन्यवाद। रैली होगी रामलीला मैदान के अंदर। ठीक है, जा सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि कांग्रेस की जब शासन हुआ करते थे तब भी विपक्षी पार्टियाँ जिसमें जनसंघ हो या बीजेपी हो ये भी शामिल होती थी। तो जो उपमा कल बड़े गर्व के साथ दी गई है हम लोग सबको, अपनी पार्टियों को, तो उनको सोचना चाहिए था कि क्या वो उपमाएं उनके खुद के लिए लागू होती है। जब वो लोग सब मिलकर के एक बार तो जनता पार्टी बनाई, फिर अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी बनाई, कई बार उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर के मोर्चे बनाए गए, पर कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। बल्कि आपको मालूम है कि जब इनकी दो सीटें आई थी तब भी कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, ये कभी नहीं कहा कांग्रेस ने। दो सीटें पार्लियामेंट में आना किसे कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब आरएसएस बोल रही है कि नहीं हमारा ये एजेंडे में नहीं है, तो आपके एजेंडे में कब क्या हो किसको नहीं मालूम पड़ता है। आप नरेंद्र मोदी को लेके आ गए, आप तय करते हो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा देश के अंदर, कौन वाइस चांसलर बनेंगे, कौन संस्थाओं के अध्यक्ष बनेंगे, हर विभाग में आपने एक एक ओएसडी लगा दिया आरएसएस के आदमी को, सब जगह आरएसएस के बंदे लगाए जा रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है तो क्या है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप संजय गांधी के वक्त में क्या करते थे, आज असली रूप में तो आप हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, बिना इनके पत्ते ही नहीं हिलता सरकार के अंदर, ये हालात पूरा मुल्क जानता है, ये मीडिया को नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो मीडिया की एकता का परिणाम है कि वापस ने विड्रॉ कर लिया, तो ये इनका कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, ये फासिस्ट लोग हैं, असत्य बोल करके सत्ता में आ गए हैं, अब पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुके हैं लोग, और इनको मालूम है कि सरकार 2019 बनने वाली नहीं है। बोखलाट के अंदर जो आपने क्वेश्चन किया, अमित शाह जी बोले या मोदी जी बोले, जो इनकी भाषा निकल रही है वो इतने बुखला गए हैं कि ये क्या बोलते हैं को बात पता ही नहीं पड़ता। ये जुमले अब उनके चलने वाले नहीं हैं। अच्छे दिन को जुमला बता दिया, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उनको जुमला बता दिया गया, चाय वाला हूँ मैं, इसको बात करके लोगों को गुमराह किया देशवासियों को, अब वो गरीब की बात करते हैं। ये प्रयोग भी उनका कुछ कामयाब हुआ इनका गुजरात के अंदर, जब राहुल गांधी जी के जो आरोप थे, अमित शाह जी के लड़के पर आरोप लगाया, रेफरल डील पर आरोप लगाया, रोजगार की बात की 2 करोड़ की, उस पर सवाल पूछा इनसे, जो जो सवाल पूछे इनसे उनका एक का जवाब नहीं दिया इन्होंने, डिफेंस में आ गए और बाद में भावात्मक मुद्दे लेकर के चल पड़े कि मैं यहाँ का हूँ, बाहर के लोग आकर के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं आपका अपना हूँ गुजरात का, मैं कहाँ जाऊँगा, ये कोई टिप्पणी हुई क्या। और यही बात अब कि मैं गरीब का घर का हूँ इसे मुझे हटाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी पे कौन हटाना चाहता है, डेमोक्रेसी में जनता ही हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। जनता माई बाप होती है, वो तय करती है कौन कुर्सी पे बैठेगा जा करके। तो ये जो इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो बुकलाट में कर रहे हैं। प्रवक्ता हैं। थैंक यू।